हाँ व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप सभी का स्वागत है हमारे फर्स्ट ब्लॉग में, और आज हम आपको काफी ज्यादा चीजें दिखाने वाले हैं हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, हम लोग कितने ज्यादा अमीर हैं, बस हम लोग को उस चीज का घमंड नहीं हुआ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ, और तुम ना मुझे नाश्ता दे दो। ठीक है बैठिए। अभी मैंने नाश्ता वास्ता सब कुछ कर लिया है, अब चलते हैं बाहर थोड़ा घूमने। और आज मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक कैमरा भी खरीद लिया जाए। तो अभी मैं मॉल आ चुका हूँ, और पीछे में जो हो रहा है उसके लिए आप इग्नोर कर दीजिए उसको। उम्मीद आप दिल देगी, आप खरीद लीजिए। नहीं चाहिए हमें, हम बोल रहे हैं ना। लड़ाई पे क्यों उतर रहे, आप खरीद लीजिए ना बस। पर फेंक के मारेंगे आपको, आप चुप रहिए। इतना लड़ा कितना किस्मत खराब है, आज ही व्लॉग स्टार्ट किया, आज ही लड़ाई वड़ाई हो रहा है। अरे भैया बताइए कैमरा का कितना दाम है? सर आपको सिर्फ ये 350 रुपए में मिलेगा। ठीक है। और ये बीच वाला कैमरा कितना रुपए है? सर वैसे तो ये कैमरा 2000 का पड़ेगा, लेकिन आज 1 रुपए के ऑफर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में पड़ेगा। वैसे ये 2000 का हो गया ना, और ये वाला कैमरा कितने का है? सर ये कैमरा सिर्फ और सिर्फ 11000 रुपए का है, और सर इस कैमरे क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी है। ठीक है सर, फिर मैं ये पैसा लेकर आता हूँ। चलो। अरे मैडम जी आप क्या गजब सर, इतने दिनों के बाद आप मिले हैं। अच्छा आपका नौकरी टिकट में हो गया, वैसे आपकी तनख्वाह क्या है? सर वैसे तो मैं अपनी नौकरी का घमंड नहीं करती, लेकिन 10000 मेरी नॉर्मल तनख्वाह, फिर काट कूट के 1000 बचता है। ठीक है मैम, फिर मैं चलता हूँ, मेरा तो टिकट हो गया, आप लोग बात वगैरह कीजिए। ऐसे कैसे जा रहे हैं सर, पहले पैसे तो दीजिए। वैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग करते रहिए अपना बात। पटाक से चलता हूँ ना, ये पगला करा देगी मेरे को। पैसे निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। और हाँ मैं आपको बताई था कि मेरा पैसे का कोई घमंड ही नहीं है भाई, मेरा लाइफस्टाइल का कोई घमंड ही नहीं है, बस आप पैसे देखिए मेरे। भैया ये वाला कैमरा दे दीजिए। सर आपको कौन सा कैमरा चाहिए? अरे भैया यही वाला 350 रुपए का। कौन सा गरीब आदमी है 350 रुपए का कैमरा खरीद रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल। तो गाइस आप देख ही सकते हैं हमारा नया कैमरा क्या जा रहा है। क्या बोलूं भाई मेरी अमीरी। लीजिए सर आपके बचे हुए 100 रुपए। ओहो मेरे 100 रुपए, इससे तो मैं फुचका वगैरह सब कुछ खाऊंगा। लीजिए सर आपका कैमरा। Let's go. आप लोग देख रहे हैं ना भाई मैं कितना सर अमीर हूँ। थैंक यू सर कैमरा देने के लिए, और इसको बैग में फट गया, एक और दीजिए मेरे को। हाँ चलो अभी सही है, और थैंक यू सर, आपसे जल्दी मिलेंगे, चलिए बाय। सर वैसे वो ऊपर देखिए ना एक लैपटॉप है, वो कितने रुपए का है? भैया वो 1,24,000 का है। एक दिन मैं इसी लैपटॉप को खरीद के जाऊंगा, आप लिख के रख लीजिए। ओ दुकान वाली देखो मेरे पास, मैंने एकदम मस्त चकाचक कैमरा खरीद लिया है। वैसे कितने का है ये कैमरा? तुम्हारे बजट के बाहर 350 रुपए। इतने की तो मैं च्युइंगम खा के थूकती हूँ। 350 रुपए का च्युइंगम? ऐसा कौन सा विदेशी च्युइंगम है? च्युइंगम दास कंपनी का है, च्युइंगम दास कंपनी का। अच्छा च्युइंगम दास, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, बहुत बेइज्जती करा ली। अरे बाबू मैं आ गया कैमरा खरीद के। भेजा कौन क्या तीर मारा? मैंने तीर भी मारा था क्या? चलो छोड़ो, वैसे मैं अपने कैमरा को एकदम मस्त वाला यहाँ पे घुसा के रख देता हूँ। यूज करूँ क्या फिर रख दूँ? अरे रख ही देता हूँ, थोड़ा एकदम मस्त है ना, तो सभी को देखना चाहिए वो कैमरा। पटाक से इसके अंदर घुसा के रख देता हूँ, और आज तो भाई मैं पूरा का पूरा खुश हूँ। चलो रख तो दिया। क्या हाल चाल है सभी के? मम्मी पापा ने आपके पीछे चेक कैमरा खरीद दिया। अरे बाबू ऐसा नहीं बोलते। अच्छा कैमरा खरीदा जा रहा है? सुनो बाबू हम लोग कल नानी घर जा रहे हैं। नानी घर? अच्छा कल ही को जाना है क्या? हाँ कल ही ट्रेन है। हाँ चलो चलते हैं। ठीक है ये चलो सब सामान वामान पैक कर लेते हैं। मैं अपने तौलियों को भी घुसा लेता हूँ, और वैसे रखना कहाँ है? आपके मुंह के सामने सूटकेस है, और आप बोल रहे हैं रखना कहाँ है? अच्छा मैं इसमें अपना कैमरा वगैरह सब कुछ घुसा लेता हूँ, सब कुछ हो चुका है, अभी चलते हैं ठीक ना। आपको अकेले अकेले आज ही आने क्या, हमारी ट्रेन कल है। अच्छा मैं भूल ही गया था, वैसे हम लोग कुछ दिन बाद नहीं जा सकते क्या? ओ तो आपको जाना ही नहीं है? नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा। ठीक है आपको मन नहीं है तो यहीं पर रहिए। अरे तुम ये क्या बोल रही हो, गाइस लड़ाई होगी। आप अपना ब्लॉग ही बनाते रहिए। तो दोस्तों रात के कल हो चुके हैं, क्या बोल रहा हूँ ये मैं, और ये मेरा न्यू कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है, काफी अच्छा ही दिख रहा होगा क्योंकि मैंने पुराना कैमरा जो था
वो मैंने 150 रुपए का खरीदा था और ये मेरा 350 रुपए का है। इसी को बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। पर हाँ, बाबू और मेरी बीवी नानी घर चले गए मुझे छोड़ के। क्या वीडियो बना रहा हूँ ये? लाइक और चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अकेला डर भी लग रहा है।